हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो रियलिटी में 2023 के एग्ज़ाम में NTA हो चाहे NCERT हो, बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका जो एडमिट कार्ड है उसमें जो सेंटर है वो बिल्कुल अलग है। मतलब उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने सेंटर जारी कर दिया कि ये सेंटर है, आप CTs चेक कर लो करके, लेकिन ये सिटीज़ है ही नहीं। बहुत सारे बच्चों को जो अलॉट हुआ है वो सेम सिटी है ही नहीं जो उनको दिखाया गया था, बिल्कुल अलग सिटी है। और जब एडमिट कार्ड उन लोग डाउनलोड कर रहे हैं तो उन लोग तो यही सोच के किए थे, पूरा ट्रेन व्रेन भी अगर किए भी होंगे कि हाँ यही दोनों जगह रहेगा, तो उस हिसाब से उन लोग दिमाग भी बना लिए थे। अब कल जो है इन लोगों ने एडमिट कार्ड जारी किया और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम सिटी वो है ही नहीं जहाँ उन लोग चाहते थे या उनको दिखाया गया था। मोस्ट ऑफ द बच्चों का मेरे पास इंस्टाग्राम में ये चीज़ मैसेज आया है। अब उन लोग क्या कर सकते हैं? तो देखो भाई, एक ही आपके पास उपाय है, एक तो आप उसके लिए आप देख सकते हो, तो ये हेल्पलाइन डेस्क नंबर है, इसके ऊपर एक बार आप जा करके कांटेक्ट कर लो। ये यहाँ पे आपको जब इसमें क्लिक करोगे तो ये जो है आपको नंबर्स मिल जाएंगे, और इनमें से अगर आपको कोई रिप्लाई दे देता है, बता देता है, तो आपके प्रॉब्लम को समझ जाता है तो अच्छी बात है। बट मेरे को नहीं लगता कि इन लोग आपके प्रॉब्लम को समझेंगे, तो वही है कि आप लोगों को अपने हिसाब से मैनेज करना ही पड़ेगा। बट मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट 2023 का जब आप एग्ज़ाम ले रहे हो, कंडक्ट करा रहे हो, तो इतनी लापरवाही तो नहीं बरतनी चाहिए थी। अगर यही कोई दूसरा बड़ा एग्ज़ाम रहता, अगर नीट एग्ज़ाम रहता या कुछ और चीज़ रहता, तब तो आप बहुत अच्छे से करते हो सभी चीज़ें। लेकिन आपका AIPGT एग्ज़ाम के दौरान ये रवैया होना, ये तो बहुत गलत बात है, ऊपर से इस कंडीशन में। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी, चाहे वो NCERT का नंबर देख रहा हो, चाहे वो NTA का नंबर देख रहा हो ये वीडियो को, तो ये प्रॉब्लम्स को आप समझो। मैं बच्चों के प्रॉब्लम्स के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ, उन लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, और उसमें ऐसा है कि आपकी ये गलती है, इसमें आप मानो या ना मानो आपकी गलती है। क्योंकि आप एक तो एडमिट कार्ड सही टाइम में इशू नहीं करते हो, दूसरा आपने जो सिटीज़ दिए हैं वो भी वहाँ पे प्रॉपर बच्चों का वहाँ पे है नहीं, तीसरी चीज़ आप लोग को जब कांटेक्ट करके आपने प्रॉब्लम बताया भी जाता है तो आप उसको प्रॉब्लम को रिसॉल्व भी नहीं कर पाते हो। तो ये चीज़ें 2023 के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मेरे को ख़राब लग रहा है कि बच्चों को ये चीज़ फेस करना पड़ रहा है, और ये लोग ना ही पोस्टपोन के बारे में बात करते हैं ना किसी चीज़ के बारे में, और वो चीज़ तो मेरे को पता ही है कि होने वाला नहीं है, वो मैंने बार बार वीडियो में बोला है। बट वही है कि एटलीस्ट आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ ये बच्चों का प्रॉब्लम आप लोग समझो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग स्टूडेंट्स से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करो, क्योंकि उनकी गलतियों की वजह से बार बार आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है और ये सही नहीं है। और एग्ज़ाम हॉल में भी कई बच्चों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्या क्या वो प्रॉब्लम रहेंगे उनके ऊपर एक मैं प्रॉपर वीडियो आज शाम को लेकर के आ जाऊँगा, या फिर कल मॉर्निंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और तो वो चीज़ के लिए भी पहले से प्रिपेयर रहना, क्योंकि जिस हिसाब से जो NTA है वो कर रहे हैं उस हिसाब से एग्ज़ाम हॉल में भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें आने वाली हैं, तो उसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है उस हिसाब से, तो उसके लिए भी पहले से प्रिपेयर रहना। ओके, बाकी थैंक यू।